गाइस अभी दुल्हा दुल्हन जा रहे हैं मंदिर में और अनफॉर्चुनेटली हम जा ही नहीं पाए क्योंकि हमें रेडी होने में 10 घंटे लग गए हैं। तो अब हम सीधे डायरेक्ट उनके घर पे ही जाएंगे। और ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ अपोजिट में, इसी मंदिर में वो लोग गए थे। सिमरन हाय कर। वहाँ पे जा रहे हैं अभी और पैरों में इतने छाले पड़ गए। कल इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया हमने। छाले दिखाओ अपने, इतने छाले पड़े मेरे को, देखिए इतने छाले पड़े मेरे को। हील वाली चप्पल लगाई थी ना, लगा पा रही हूँ मैं। बहुत एंजॉय किया हमने कल, बहुत 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 ज्यादा। और खाना इतना टेस्टी बना था, हद से ज्यादा। बोलने की कोई बात ही नहीं, आज भी हम एंजॉय करेंगे बहुत सारा। डीजे पे नाचेंगे, ढोल पे भी नाचेंगे और मस्ती करेंगे। चलो फिर चलते हैं। मस्ती करने से पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। हमने वहाँ पे जाना है। धूप बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? धूप बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको सिमरन की व्लॉगिंग जो है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया और कर भी रहे हैं। आपको कैसी वीडियोस लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत गाइस। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं। हमने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में थी पूड़ी और मिक्स वेज। और दूसरी साइड से अभी जो दुल्हा दुल्हन है वो मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे हलवा पूरी वगैरह चढ़ाते हैं भगवान को। काफ़ी गेस्ट जो है इनके वो चले गए हैं और अब रह गए हैं थोड़े गेस्ट। और वहाँ से दूल्हा दुल्हन भी मंदिर से वापस आ गए हैं।
बहुत सारा डांस और इंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए फोटोशूट करवाने। तो एक एक करके सभी अपना फोटोशूट करवा रहे हैं यहाँ पे, सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बट थोड़ा सा सबको दुख भी हो रहा है क्योंकि शादी ख़त्म हो रही है, आज फाइनल पार्ट है ये शादी का। और 3-4 दिनों से हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, सब लोग अपना अपना काम मतलब भूल कर, टेंशंस भूल कर शादी इंजॉय करते हैं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे भद्रवाह और फिर से कोई ना कोई शादी तो होगी गाइज, तो हम तब इन मोमेंट्स को फिर से जिएंगे और इंजॉय करेंगे। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, ठीक है? और सब लोग ब्लॉग अच्छे से देखना, बड़ी मेहनत से बनाया इसने ब्लॉग और मेरा गला भाई खराब हो गया, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल दिया पटा भी, मैं उसको रिवील नहीं कर रहा आफ्टर फ्यू डेज। ये छपरी यूट्यूबर है और छपरी नहीं, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। क्या कहना तेरी बॉडी का? और यहाँ से ये क्यूट बेबी बोल रहा है मेरा भी कोई फोटोशूट लो। और यहाँ से दुल्हन हो चुकी है रेडी अपने मायके जाने के लिए पतफेरे की रस्म के लिए। और दुल्हन को लेना पड़ता है सभी रिलेटिव्स का आशीर्वाद, उसके बाद वो अपने मायके जाती है। तो दुल्हा और दुल्हन के साथ जाती है दुल्हे की एक बहन। तो सब लोग हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा कौन जाएगा, तो बीच से एक आवाज आती है राधिका की कि मैं जाऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है कहीं जाने के लिए, और हमने भी बोल दिया चल भाई तू चली जा, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। आपने कल वाली वीडियो में तो देखा ही होगा बारात वाले फंक्शन में कि कितना ज़्यादा हम चले थे और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे चल चल के। राधिका अपने घर गई हुई थी चेंज करने, तो वो दूसरे रूट से इनको मिलेगी और शाम को ये लोग आ जाएंगे वापस से घर। तो भाई कर लेते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तो आप बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि शादी के बाद हमने क्या क्या किया, तो आप बने रहिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए। थैंक यू।